हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा असाइनमेंट नंबर ये 17 है। टिकट डिटेल रिपोर्ट हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो गिवन है। इस असाइनमेंट के अंदर एयरपोर्ट यानी कि जहां से हम फ्लाइट पकड़ेंगे, दिल्ली से अगर हम फ्लाइट पकड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हमें 45,000 की पड़ेगी, और दिल्ली से ही अगर हम फ्लाइट पकड़ते हैं न्यूजीलैंड के लिए 30,000 की पड़ेगी, दिल्ली से ही यूएसए के लिए पकड़ेंगे 60,000 की, सिंगापुर के लिए पकड़ेंगे 15,000 की, मलेशिया के लिए 28,000 की। तो ये हमारे पास एयरपोर्ट गिवन है कि जिस एयरपोर्ट से आप जाओगे, अगर मुंबई के एयरपोर्ट से जाओगे ऑस्ट्रेलिया तो टिकट कितने की पड़ेगी, न्यूजीलैंड से जाओगे, यूएसए से जाओगे, सिंगापुर से, मलेशिया से, तो यहाँ पे हमारे पास ये अलग अलग क्या गिवन है। जैसे कि आप देख रहे हो अमाउंट्स गिवन है, कितना हमें टिकट्स के लिए पे करना पड़ेगा अगर हम यहाँ से इस अलग कंट्री के अंदर जाते हैं अपने इन अलग अलग एयरपोर्ट से। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी लिस्ट बना रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो सिलेक्ट द एयरपोर्ट, यहाँ से हमने ये डाटा वैलिडेशन के जरिए लिस्ट क्रिएट की है कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमने कौन से एयरपोर्ट से जाना है, मुंबई एयरपोर्ट से जाना है और कौन से कंट्री में जाना है, यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे टिकट की प्राइस आ जाएगी, तो यहाँ पे हम इक्वल टू यूज करेंगे इंडेक्स फंक्शन का, तो हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, इंडेक्स की जगह हम वी लुकअप फंक्शन का यूज कर लेते हैं। वी लुकअप फंक्शन, एच लुकअप फंक्शन के जरिए भी ये वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे आपने वी लुकअप फंक्शन का यूज करना है और लुकअप वैल्यू हमने कौन सी ढूंढनी है, ये हमने लुकअप वैल्यू ढूंढनी है एयरपोर्ट, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एयरपोर्ट, यानी कि ये मुंबई H9 यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने H9 डाल दिया है, कॉमा डाल के हमने ढूंढना इस पूरे टेबल में से है, ये देखिए, तो ये पहले कॉलम में से वैल्यू को ढूंढेगा और कॉमा डाल के बाकी जो हमने रो ढूंढना है हम उसके लिए मैच फंक्शन का यूज करेंगे कि कौन सी रो में से हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे मैच लगाएंगे और लुकअप वैल्यू हमें न्यूजीलैंड को ढूंढना है, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये एयर यानी कि ये हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा जीरो डालेंगे क्योंकि ये हमारा डाटा सॉर्टेड नहीं है, और कॉमा डाल के यहाँ पे ये जो लुकअप फंक्शन के हमने यूज किया है तो हमारा ये जो एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई है ये भी सॉर्टेड नहीं है, यहाँ पे हम फॉल्स का यूज करेंगे, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू को सर्च करेगा, आप एंटर कर दीजिए, तो ये देखिए इसने अमाउंट को कैलकुलेट कर दिया कि मुंबई से अगर आप न्यूजीलैंड जाते हो तो टिकट कितने की पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे ऊपर मुंबई की जगह दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हो तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप दिल्ली से न्यूजीलैंड जाते हो तो आपको टिकट कितने की पड़ेगी, अगर आप मोहाली से न्यूजीलैंड जाते हो तो आपको टिकट कितने की पड़ने वाली है, और अगर आप चाहते हो यहाँ पे वी लुकअप की जगह एच लुकअप फंक्शन का भी आप यूज कर सकते थे। यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू कौन सी हमने ढूंढनी है, तो यहाँ पे पहले हमें रो सिलेक्ट करनी है यानी कि हमने ये कंट्री सिलेक्ट करना है, इसको ढूंढना है और यहाँ पे हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे हमने रो नंबर देना है वो हमें नहीं पता, हम मैच फंक्शन के जरिए उसको ढूंढ सकते हैं, यानी कि ये एयरपोर्ट, कॉमा डालेंगे और हमने ढूंढना किस में है, पहले इस टेबल के कॉलम के अंदर ढूंढना है, कॉमा जीरो, ये डाटा सॉर्टेड नहीं है, कॉमा यहाँ पे हम फॉल्स देंगे क्योंकि हमारे जो ये रो है ये भी पहली रो है वो भी सॉर्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो भी ये देखिए आंसर हमारा सेम आएगा। तो ऐसे आप दोनों फंक्शंस को यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पता चला दिल्ली से अगर आप यूएसए जाओगे तो 60,000 की आपको टिकट पड़ेगी।